तो यहाँ पे मैंने जाल ढक दिया है क्योंकि बारिश हो रही है। जैसे कम 5 से 7 मिनट बाद सब्जी की क्या हालत हो गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोशना पैराडाइज। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और यहाँ पे यू नो बारिश होने लगी थी। ये 4-5 दिन पहले की क्लिप है, सोचा आप लोग के संग शेयर कर दूँ। और उस समय मैं शेयर नहीं कर पाई थी किसी खास वजह से, तो बस मैं फिर टेरेस पे आ गई थी रिकॉर्ड करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा तेज़ बारिश तो नहीं है, बट हल्की हल्की बूंदें पड़ना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने जाल ढक दिया है क्योंकि बारिश हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैं आपको वेदर दिखा दूँ अभी कैसा हो रहा है। ये मेरा फेवरेट व्यू जो कह सकते हैं आप, और वो सामने अपार्टमेंट्स भी आप देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा है मौसम का हाल। और दोपहर के आई थिंक 1 या 1.5 बजे हैं, एग्जैक्ट टाइम जो होगा वो मेंशन कर दूंगी मैं यहाँ पे। एंड सी, ये मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको, देखिए आप। और वो एमिटी इंटरनेशनल स्कूल है हमारे घर के पास ही, तो वो रहा शहीद पथ। एंड चलिए, जो सामने अपार्टमेंट्स हैं वो हैं सब। कितना ज़्यादा धुंधला दिखाई दे रहा है एंड बारिश भी हो रही है। हमारा मेदांता हॉस्पिटल जो कि बिल्कुल ही धुंधला हो चुका है, उसके पास ही मतलब ना उस राइट साइड में की तरह है लुलू मॉल, जो कि अभी तक अभी नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा दिखता है उसका ऊपर का जो हिस्सा है, बट अभी तो नहीं दिखेगा। सो ये मैंने जूम करके दिखाया आपको। और अगर मैं नॉर्मल व्यू करूँ तो वो रही ट्रेन का ट्रैक एंड ये ओवरऑल लुक। तो वो रहा मेदांता हॉस्पिटल। वो टेरेस भी इतना भीग चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीग चुका है। और अभी तो धीमी धीमी बूंदाबांदी हो रही है, देखते हैं कितना होता है ये। और उधर एक घर बन रहा है सामने की तरफ, जो प्लॉट खाली पड़ा था ना वहाँ पे घर बन रहा है, शटरिंग होगी तो काम चल रहा है। एंड काफ़ी घर बन रहे हैं। वो उधर भी जो ट्रीज थे वो देखिए ऑलमोस्ट कट चुके हैं, सिर्फ एक ट्री बचा है सामने की तरफ ये यहाँ पे। एंड वो रहे अपार्टमेंट पूरा व्यू। और इधर वो वाली टंकी दिख रही है उसके उस तरफ मेरा मायका है। एंड यहाँ पे कोई ट्रेन भी आ रही है, चलिए देखते हैं ट्रेन का भी लुत्फ उठा लेते हैं। तो आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे ट्रेन आ रही है शहीद पथ के नीचे की तरफ से। ट्रेन नहीं है, केवल इंजन आ रहा है अभी। तो पर्सनली ये व्यू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। प्लेन ऊपर से जाता रहता है, उधर शहीद पथ है और ये इधर ट्रेन जाती रहती है। तो बस बारिश का मौसम हो रहा था, कुछ आपको दिखा दूँ। फिर मैं नीचे आ गई थी, कुछ सामान मंगाया था मैंने ग्रोफर से, एक्चुअली कुछ वेजिटेबल्स थी। सो वही आई थी तो उन्हीं को कलेक्ट करने आई थी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिया है मैंने। तो फ्रेंड्स, वो ये वेजिटेबल्स हैं जो मैंने अभी ग्रोफर से मंगाई हैं। ये कैरी बैग में ऐसा आता है, पहले भी मैं शायद आपको दिखा चुकी हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं मंगाना था, थोड़ा ही मंगाना था, बट बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और अर्जेंट था इसलिए ऑर्डर करना पड़ा। सो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह के कवर में आता है, तो ये रिसाइकिल कर सकते हैं आप इसको और रीयूज कर सकते हैं। ये ऐसे बैग में आता है, पहले ऑरेंज कलर में आता था, अभी ऐसा। और ये रहा मेरा बिल। तो मैं क्या क्या मैंने मंगाया है वो आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं। ग्रीन चिली है, पोटैटो है, पीज है मतलब हरी मटर, फूल गोभी एंड जिंजर। तो मैं आपको बताती हूँ कि रेट्स क्या है और आप भी मतलब यू नो सरप्राइज हो जाएंगे जानकर। तो ये इतनी सारी जो मिर्ची है, ग्रीन चिली देख रहे हैं आप, इतनी सारी ये सिर्फ मुझे 3 रुपये में मिली है, इतनी सारी मिर्ची। एंड ये न्यू पोटैटो है जो कि मुझे 15 रुपीज़ केजी मिले हैं, नए आलू। और ये 250 ग्राम मटर है, और कितनी फ्रेश है, कितनी अच्छी है आप देखिए। तो कितनी फ्रेश, कितनी अच्छी है ये मटर देखिए आप। और ये मुझे मिली 250 ग्राम 11 रुपये में। ये गोभी मुझे मिली है 19 रुपीज़ में, जो कि मार्केट में अभी 30 से 40 में आ रही है। और ये जिंजर 250 ग्राम 7 रुपये की। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यू नो बेनिफिट होता है, और घर बैठे मिल गई है तो मैं तो यूज़ करती हूँ कपल ऑफ टाइम्स, आप भी यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। सो ये रही मेरी थोड़ी सब्जी। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करती, पहले मैं बना लेती हूँ फिर बाद में आपसे बात करती हूँ।
तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू मटर टमाटर की रस्से वाली सब्ज़ी, और इसकी पूरी रेसिपी मैंने शूट की है, तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो में शेयर कर दूँगी। यहाँ पे बस छोटा सा क्लिप ऐड किया है, और आई थिंक मैंने पहले भी शेयर की है, बट फिर भी अगर आप बोलेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी। और उसके बाद डिनर हो गया, और रात के समय फिर से मैंने शूट किया है, क्योंकि रात के समय फिर से बारिश शुरू हो गई थी। अभी कैमरे में तो कैप्चर नहीं हो पा रही है, और दूर से देखने में भी सब साफ साफ लग रहा है, मगर अभी मैं पास से आपको दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा। और ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ हो रही है, देखिए हल्की हल्की बूंदें ही पड़ रही हैं, मगर कंटिन्यूसली हो रही है, और यही बारिश रात में जाकर और ज़्यादा तेज़ हो गई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, और उसकी वजह से वेदर ऑफकोर्स मतलब और ठंडक बढ़ गई थी वेदर में। तो फिर बस जाल वगैरह तो मैं ढका ही दिया था पहले से ही, तो बट एक ये लग रहा था ना कि मतलब इतना ज़्यादा बारिश अचानक से कैसे होने लगी है, तो बट मौसम का है, क्या कह सकते हैं मौसम को। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा छोटा सा डे टू नाइट रेनी रेनी डे का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रचना पैराडाइज। और अगर आप पहले से जुड़े हैं तो स्टे कनेक्टेड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपनों का ख्याल रखिए और गुड नाइट, टेक केयर, एंड हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।